हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा प्यार। मेरा ब्लॉग पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग में दिन से कर रही हूँ और अभी देखो, मानसी और प्रीता की ये है मानसी का पर्स, ये है प्रीता का। काफ़ी अच्छा है, एक ही जैसा पर कलर अलग अलग है, ऐसे पकड़ने वाला भी है। ये देखो अच्छा लग रहा है। और मैंने ऑनलाइन मंगाया था सेल्फ स्टिक, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और है भी कितना छोटा, जैसे आप सफर में जाते हो तो आप अच्छे से आप वीडियो भी बना सकते हैं इससे, अच्छे से आप वो सेल्फ भी खींच सकते हो। कोई फ़ोन करने का कोई चांस ही नहीं इसमें। और है भी काफ़ी छोटा, आप पर्स भी रख सकते हो, इसको पॉकेट में भी रख सकते हो। और जब मैं मंदिर गई थी तो भगवान जी का दर्शन करने, तब तो मैं इसको लेके गई थी, इससे मैंने बनाया वीडियो। पर वहाँ चढ़ाई बहुत थी तो मैं क्या कहते हैं, अच्छे से बना नहीं पाई, क्योंकि छोटे बच्चे भी थे, तो छोटे बच्चों को हम गोदी में पकड़े थे, तो हो नहीं पा रहा था। और देखो, और इसमें एक सेल लगा है, इसमें पहले एक रिमोट है, तो इसमें एक सेल लगा है। ये देखो, काफ़ी छोटा रिमोट है ये, और इसमें लगा है सेल, इसके अंदर से सेल है। और इसको ऐसे दबाऊंगी तो इसमें ब्लू लाइट जल जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। ये इसमें अब ब्लू लाइट जलने लगी है, देखो। और अब इसमें इसको ऐसे डालूंगी, मैंने इसको ऐसे करके डाल दिया है, ये इसमें फिट हो गया है। अगर आप वीडियो या सेल्फी जो भी खींचना चाहो या वीडियो बनाना चाहो तो आप ऐसे तिरछा भी बना सकते हो। ये तिरछा अगर आप खड़े में फोन डालना चाहो तो ये ऐसे खड़ा भी हो जाता है, ये ऐसे तिरछा भी हो जाता है, ये आराम से हो जाता है। अगर आप स्टैंड में वीडियो बनाना चाहो या आप सेल्फी खींचना चाहो तो ये ऐसे, इसको ओपन करूँगी, ये ऐसे, ये देखो, ये इस टाइम भी लग जाता है। ये देखो, इसको थोड़ा लंबाई बहुत लंबा हो जाता है। ये देखो, ऐसे करके आप यहाँ पे आप फोन डाल सकते हो आराम से। आप बैठ के ऐसे करके अपना वीडियो शूट कर सकते हो आराम से बैठ के। और क्या कहते हैं, इसमें डालूंगी फोन। अभी मैं डाल रही हूँ पहले इसमें तिरछा करके फोन, पहले मैं डालूंगी तिरछा करके फोन। और इसमें पहले ऐसे खोलूंगी मैं, ये दोनों साइड से खोलने वाला। और इसमें स्प्रिंग जैसी लगी रहती है, इसको ऐसे खींचना पड़ता है। ये देखो, ये स्प्रिंग लगी है। अगर आप फोन डालना चाहो तो इसको ऐसे खींच सकते हो, ये ऐसे करके। मैं जैसे अभी तीसरा फोन डालूंगी तो इसको ऐसे करके घुमा लूंगी। ये मैंने इसे घुमा लिया, अब मैं इसमें तीसरा करके फोन डालूंगी। ये देखो, पहले मैं स्प्रिंग को खींचूंगी ऐसे करके, ये देखो, ये पहले मैं स्प्रिंग ऐसे करके खींचूंगी, फिर डालूंगी फोन। ये कितना अच्छा लग रहा है। अब जैसे आप अपना वीडियो शूट करना चाहो तो ऐसे स्टैंड में रख सकते हो, ये ऐसे करके, ये ऐसे आप रख सकते हो आराम से, आराम से आप वीडियो बना सकते हो। अगर लंबा करना चाहो तो इतना लंबा हो जाता है, ये देखो, ये आराम से आप ऐसे वीडियो बना सकते हो। या आप सेल्फी खींचना चाहो तो जैसे सफर वफर में जाते हो, और ऐसे करके बंद भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। अगर आप खड़े करके फोन डालना चाहो तो खड़े में भी दिखाऊंगी। ये ऐसे निकाल दिया मैंने, क्योंकि ऐसे स्प्रिंग, ये मैंने ये स्प्रिंग लगी है तो इसको खींचा मैंने ऐसे करके, फोन अपना भी गिर गया। और अब मैं खड़े में डालना चाहूँगी तो इसको ऐसे घुमा लूँगी, ये मैंने घुमा लिया। अब मैं डालूंगी ऐसे खड़े करके, और फिर मैं स्प्रिंग ऐसे करके खींचूंगी। ये मैंने खड़े में डाल दिया है। और अगर आप ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करना चाहो तो टेढ़ा भी हो जाता है, अगर आप सीधे में रखना चाहो तो सीधे भी हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि वो लॉक लगा रहता है, ये ऐसे करके। अगर आप सिंपल से वीडियो बनाना चाहो तो ऐसे करके बना सकते हो, यहाँ से। अगर आप सिंपल में वीडियो बनाना चाहो तो आप क्या कहते हैं, यहाँ से वीडियो बना सकते हो। अगर आप सिंपल में फ़ोटो खींचना चाहो तो यहाँ से आप आराम से फोटो खींच सकते हो ऐसे करके। अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहो तो इसमें ब्लूटूथ भी मिल जाता है, ये है ब्लूटूथ, ये है। और इसमें मैं थोड़ी देर टांग रखूँगी, ये देखो, ये खुल गया है और ब्लूटूथ खुल गया, ये ऑन हो गया है। और इसमें लिखा आ रहा है सेल्फी, सेल्फी करके लिख नहीं रहा साफ करके। ये देखो, इसमें लिखा आ रहा है ऐसे करके।
पे इसके बटन लगा है, इस बटन को दबाऊंगी तो इसमें ब्लू लाइट जलेगी, तभी कनेक्ट होगा। ये बटन है, इसको दबाना पड़ता है थोड़ी देर तक। इसको ऐसे करके दबाना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा। ये इसमें ब्लू लाइट जल गया है, ये देखो, ये इसमें ब्लू लाइट जल जाता है। और अगर आप ब्लू लाइट करके उसको, और इसमें दिखा रहा है कनेक्ट, यानी मतलब कनेक्ट हो गया। ये देखो, जो दिख नहीं रहा ना, सब दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, आप आराम से आप ऐसे करके फोटो खींच सकते हो या सेल्फी खींच सकते हो। इसका लंबा होना चाहो तो लंबा हो जाता है। अब इसको बैक करूँगी क्योंकि कनेक्ट हो गया हो। अब मैं जाऊँगी कैमरा पे, ये देखो। अब मैं अपना फ़ोटो खींचना चाहूँगी तो फ़ोटो भी देखो, यहाँ से ऐसे करके दबाऊँगी लॉक को।